आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो चल रहा है इसे आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन इस बार जरा गौर से देखिए और ध्यान से इस बीप वाली आवाज को सुनिए। अब जरा इन डॉक्टरों की भुनभुनाहट पर गौर फरमाइए। आपको साफ तौर पर वही बातें सुनाई देंगी जो कि ये विदेशी महिला इस पेन से पेज पर लिख रही। डॉक्टरों के साथ पुलिस वाले भैया भी इनकी लिखावट को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हुए आपको दिखेंगे। अब इन लोगों से नजरें हटाकर इन महिला पर चलते हैं। इन महिला के कपड़े इनके शरीर से कुछ इस कदर चिपके हुए हैं कि पैर की हड्डियों का ढांचा तक आपको साफ तौर पर दिख जाएगा। साथ ही पैर में कादो, कीचड़ और कई खरोंच के निशान भी दिखाई देंगे। जब आप इन महिला के चेहरे को देखेंगे तो मांस का नामो निशान नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई हड्डी का ढांचा स्ट्रेचर पर लेटा हो। आपको बता दें कि जिस महिला के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनका नाम ललिता काई है और ये एक अमेरिकन नागरिक हैं। इन्हें यहाँ सात समंदर पार आकर भारत में इश्क हुआ और तमिलनाडु के रहने वाले एक शख्स से इन्होंने शादी कर ली। ये सारी चीजें इनके पास से मिले डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही सामने आई है। पुलिस ने इन्हें कुछ दिनों पहले ही मुंबई के पास के इलाके सिंधु दुर्ग के जंगलों से निकाला था। जंगल में ललिता को एक चरवाहे ने तब ढूंढा जब ललिता लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई दर्द की हालत में कराह रही थी। इसके बाद चरवाहे ने गांव वालों को बुलाया और फिर मौके पर पुलिस पहुंची और इस महिला की हालत को देखकर सबसे पहले इसे हॉस्पिटल लाया गया। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मंजर उसी हॉस्पिटल का है। ललिता पिछले 40 दिनों से बिना कुछ खाए पिए रात दिन जंगल में भारी बारिश में कीड़े मकौड़ों के साथ जंजीर से बंधी हुई थी। इसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि ये अपनी जुबान से एक लफ्ज भी निकाल सके, लेकिन इसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इसने पेन और कॉपी मांगा और फिर अपनी कहानी, अपनी इस हालत के बारे में एक एक बातें इसने अपनी लिखावट से सबको बताई, जिसे पढ़कर सभी शॉक्ड रह गए। आपको बता दें कि भारत आने के बाद ललिता के वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी और वो पिछले 10 सालों से भारत में ही रह रही थी। इसी दरमियान इसे तमिलनाडु के रहने वाले एक शख्स से शादी भी की थी। ललिता ने लिखकर पुलिस को बताया कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि इसका वही पति है जिसके प्यार में पागल होकर इसने अपने देश तक को भुला दिया और उस इंसान ने इस भयानक जंगल में जानवरों की तरह इसके दाहिने पैरों में लोहे की जंजीर डालकर उसे पेड़ के तने से बांधकर चलता बना। पुलिस ने जब ललिता के बारे में छानबीन की और इसके पास से मिले डॉक्यूमेंट्स को खंगाला तब पुलिस को तमिलनाडु के पते का आधार कार्ड के साथ ही महिला के अमेरिकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी मिली है। पुलिस को महिला के बैग से डॉक्टर का लिखा एक पर्चा भी मिला जिससे ये बात भी सामने आई कि ललिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल इनका इलाज गोवा के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें कि ललिता को बड़े ही गंदे हालत में यहाँ लाया गया था, लेकिन इस हॉस्पिटल के स्टाफ ने इन्हें नहाया, साफ किया और नए कपड़े पहनाकर एक नई जिंदगी दी।
फिलहाल पुलिस इस महिला के रिश्तेदारों को तलाश रही है और साथ ही महिला के द्वारा दिए गए नोट के बिना पर इसके पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे भी ढूंढने में लगी हुई है।